हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल विकास 31 टेक में। आज हम सीखेंगे कि यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाते हैं। एक प्रोफेशनल HD थंबनेल अपनी यूट्यूब वीडियोस के लिए हम कैसे बना सकते हैं। थंबनेल बेसिकली एक कवर फोटो होता है जो आपको वीडियोस के ऊपर दिखाई देता है। जब हम कुछ भी सर्च करते हैं यूट्यूब में तो वहाँ पर हमें कवर फोटो दिखाई देती है, उसे यूट्यूब थंबनेल कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें लिखना है www.canva.com। इस वेबसाइट पे आ जाना है और इसमें साइन अप कर लेना है आपको जीमेल से या फेसबुक से। तो मैंने इसमें साइन इन किया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएटेड डिज़ाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें। आपको पोस्टर बनाना है, फ्लायर बनाना है, इन्फोग्राफिक, प्रेजेंटेशन, रिज्यूम, लोगो, कुछ भी बना सकते हैं आप यहाँ पे, और ये बिल्कुल फ्री है। तो हमें थंबनेल बनाना है यूट्यूब के लिए, तो हम यहाँ पे कस्टम साइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे विड्थ में डालेंगे 1920, उसके बाद हाइट में 1080। ये HD साइज़ होता है, इससे क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है यूट्यूब वीडियोस के लिए, स्टैंडर्ड साइज़ है। इसके बाद क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें हमें टेक्स्ट पे आना है, उसके बाद ऐड ए हेडिंग पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे टाइप करना है हाउ टू मेक प्रोफेशनल HD थंबनेल। हाउ टू मेक प्रोफेशनल HD थंबनेल। उसके बाद इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ये लिख दिया। इसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रख लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा, और उसके बाद इसका अलाइनमेंट कर देते हैं लेफ्ट साइड में। इसको साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका 100 कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ मूव कर लेते हैं यहाँ पर। इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एलिस कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद इसे बोल्ड कर लेते हैं, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे साइज़ तो ठीक है इसका 100, स्टाइल भी ठीक है। अब इसमें हम कोई पिक लगाते हैं, तो अपलोड्स पे क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज मीडिया। उसके बाद यहाँ पे डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले से ही एक पिक डाउनलोड कर रखी है, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे डाउनलोड होएगी, इसको आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। फिर इस पिक पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से टेक्स्ट पे जाएंगे, ऐड ए हेडिंग, इसी को हिंदी में भी टाइप करेंगे अब हम। उसके लिए हम नए न्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे कैसे बनाएं हिंदी कर लेंगे इसे, यहाँ पे लिख देंगे।
उसके बाद इसे कॉपी कर लेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी से। उसके बाद इसे यहाँ पे इस हेडिंग में पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से, और इसको यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका साइज दे देते हैं शो कर देते हैं इसको भी, और इसको सेलेक्ट करेंगे, इसका फॉन्ट भी LAC कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको इसके बाद और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, में इसको भी कॉपी कर लेंगे, सी में पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5 मिनट में कैसे बनाएं। MINUTE 5 मिनट्स। कैसे बनाए इसको बड़ा कर लेंगे, इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेंगे और बड़ा कर सकते हैं इसको, हम 115 कर लेते हैं। अब ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया, इसको यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद फिर से टेक्स्ट लेंगे और इसमें ऐड ए हेडिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 2021 लिखेंगे और इसको भी मूव कर लेंगे यहाँ पे। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मूव कर लेंगे, इसका साइज भी बढ़ा देंगे। इसको इसका स्टाइल भी एलिस कर लेंगे, बोल्ड साइज बढ़ा देते हैं, 200 कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थंबनेल। इसके बाद अच्छा लग रहा है, साइज थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, 115 कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका इसको भी और बढ़ा देते हैं, 120 करके देखते हैं, यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं। इसके बाद इसको कोई और कलर दे देते हैं, इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ए पे, रेड कलर करके देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसको भी कलर दे देते हैं, इसी पे क्लिक करेंगे, ब्लू दे के देखते हैं, नहीं ब्लू अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद दोबारा क्लिक करेंगे, पिंक करके देखते हैं, ये सही लग रहा है। इसके बाद इस पे दोबारा क्लिक करेंगे, चलो ठीक है, यही अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं,
230 करके देखते हैं, 240 करके देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, 130 कर देते हैं, इसको 115, ये तो ठीक है साइज, ये भी ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, इसे यहाँ पे कर देते हैं, इसे थोड़ा सा सेंटर में कर देते हैं, ये हो गया, अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम यहाँ से बैकग्राउंड में जाएंगे और कोई भी बैकग्राउंड जो हमें अच्छा लगे वो सिलेक्ट कर लेंगे, देखते हैं कौन सा अच्छा लगेगा, ये भी बेकार है, ये ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, थोड़ा प्रोफेशनल भी लग रहा है, ये वाला और भी अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, इसको भी थोड़ा सा सेट कर लेंगे, इसको भी सेट कर लेंगे, YouTube इसको थोड़ा सा रिसाइज करेंगे यहाँ से और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ऐसे ठीक है। अब हमारा ये थंबनेल बन के तैयार है, अब इसको हम और भी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई और लगाना चाहे तो, ये वाला नहीं, यही ठीक है, चलो ठीक है, इसको हम यहाँ से अब डाउनलोड कर लेते हैं, PNG में डाउनलोड होता है, ये डाउनलोड हो गया, हो रहा है, अभी फ्री है ये, बिल्कुल ऐसे डाउनलोड हो जाएगा, इसको यहाँ से काट देंगे और यहाँ से इसे चेक कर सकते हैं ओपन करके, ये आपका प्रोफेशनल ST थंबनेल तैयार हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू।